ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा द्वारा उत्तर प्रदेश महिला आयोग की नव निर्वाचित उपाध्यक्ष अंजू चौधरी का सम्मान समारोह शुक्रवार को बेनीगंज स्थित पार्टी कार्यालय में किया गया। इस अवसर पर महिला मोर्चा की पदाधिकारियों ने उत्तर प्रदेश महिला आयोग की नव निर्वाचित उपाध्यक्ष अंजू चौधरी को माल्यार्पण, अंगवस्त्र और स्मृति चिन्ह भेंट कर उन्हें सम्मानित किया। इस मौके पर मोर्चा की एक बैठक भी आयोजित हुई, जिसमें नव निर्वाचित आयोग की उपाध्यक्ष अंजू चौधरी ने मोर्चा के सदस्यों का आभार व्यक्त करते हुए पार्टी के आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा पर विचार विमर्श किया। इस अवसर पर गोरखपुर की पूर्व महापौर डॉक्टर सत्या पांडे, मोर्चा की महानगर अध्यक्ष नेहा चौधरी, ममता गुप्ता, रंजना गुप्ता सहित मोर्चा के कई पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहीं। गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए मोर्चा की महानगर अध्यक्ष नेहा चौधरी ने कहा, ये प्रोग्राम मुख्य खाली ये होता है कि यहाँ के प्रोग्राम कुछ बनाने के जिला यहाँ आती है। हमने सोचा है कि आज मेरा चौधरी और अध्यक्ष खड़े हैं, उनके नेतृत्व में ये घटना बजट थोड़ा मुझे सम्मानित करने बड़े बड़ा व्यक्ति सम्मानित करने का उद्देश्य रखा है। और हर लोग थोड़ा होता है टोकन ले रखी है, ले रखी है मीडिया है, मैं उनके दिल से हरे दिल से आभारी हूँ। उन माला के बाद ये है तो मुझे मुझे एक बात बेहद प्रसन्नता है, इसके करके यकीन मिला है कि हम सभी किसी बड़े कार्यक्रम में नहीं है, बहुत बड़ा कार्यक्रम और बहुत बड़े दिल और हृदय के साथ ये लोग हमारा स्वागत किए हैं। मैं पूरे विश्वास से कि आदरणीय अब्दुल जी महाराज को जी बधाई सौंपा है नाटा आयोग के बधाई के रूप में, तो शुरुआत से किसी के गौरव में शुरू कर दिया है। आज श्रीमती अंजू चौधरी जो पूर्व महापौर रह चुकी हैं और वो महिला आयोग की उपाध्यक्ष बनी हैं, उनके स्वागत समारोह का हम लोग तैयारी किए हैं और उनके स्वागत के लिए हमारी बहनें इकट्ठा होकर के उनका स्वागत अभिनंदन वंदन किया गया है। जी, योजना बनाई गई है, जैसे अभी आपने सुना है कि मैम ने क्या कहा है, इसी के अंतर्गत हम लोग सारे कार्यक्रम और काम कर रहे हैं, जैसे उज्ज्वला योजना, आवास विकास योजना, ये सब कार्यक्रम अभी अंजू चौधरी जी बताई हैं और हम लोग अपने नेतृत्व में ये सब कार्यक्रम कर रहे हैं।